नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको शबे बरात की फजीलत बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि शबे बरात को मरहूमीन की रूहें अपने घर पे क्यों आती हैं, जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि शबे बरात में मुर्दे हमसे क्या तलब करते हैं, हमसे क्या चाहते हैं। पूरी तफसील कुरान और हदीस के मुताबिक हम आपको बताएंगे इंशाअल्लाह। तो पूरी वीडियो जरूर देखें और दिल से एक लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले शबे बरात की फजीलत जान लें, फिर आपको बताऊंगा कि शबे बरात को मुर्दे की रूहें अपने घर में क्यों आती हैं, उसकी वजह क्या है। प्यारे दोस्त, शबे बरात एक ऐसी मुकद्दस रात है जिस मुकद्दस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमानी दुनिया में तशरीफ लाता है और इरशाद फरमाता है, कोई नेक बंदा ऐसा है जो मुझसे माफी मांगे तो मैं उसको माफ कर दूं, कोई मुसीबत का मारा दुआ करे तो उसकी मुसीबतों को दूर कर दूं, कोई मुझसे दौलत मांगे तो मैं उसको दौलत से नवाज दूं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सुबह होने तक इरशाद फरमाता है और इस मुबारक रात में अल्लाह तबारक व तआला अनगिनत लोगों को जन्नत में दाखिल कर देता है, इसलिए इस रात को खूब इबादत करें। दोस्तों, अब आप ये जान लें कि शबे बरात को रूहें घर क्यों आती हैं। किताबों में आया है कि शबे बरात को मुर्दे की रूहें अपने अपने घरों में आती हैं और रूहें आपस में एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं और अपने घर वालों से तलब भी करती हैं, यानी तोहफे और इसाले सवाब की। मतलब ये कि मुर्दों की रूहें अपने घर वालों से ये कहती हैं कि हमारे लिए इसाले सवाब का तोहफा भेजा जाए, कुरान खानी की नजर भेजी जाए। मतलब ये है कि इस मुकद्दस रात को हमें अपने मरहूमीन के नाम नियाज़ो फातिहा करना चाहिए और उनके नाम पर कुरान पढ़कर मरहूमीन को उसका सवाब भेजना चाहिए और उनके नाम पर कुरान पढ़कर या पढ़वा कर मरहूमीन को उसका सवाब भेजना चाहिए। मुर्दे की रूहें हमसे यही चाहती हैं कि उसके घर वाले उसके लिए इसाले सवाब करें, लिहाजा हमें चाहिए कि अपने मरहूमीन को इस मुकद्दस रात में ना उम्मीद करके ना लौटाएं, बल्कि जब वो अपने घर से वापस जाएं तो तोहफों के साथ खुश होकर जाएं और हमारे लिए नेक दुआएं करते हुए जाएं ताकि हमारा घर शादो आबाद हो और तमाम नेमतों से भरपूर हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई हो, तो दिल से लाइक करते हुए दोस्तों अहबाब को शेयर जरूर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस बर वक्त पाने के लिए। फिर आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।